तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक ये आईबीएमआर से बन क्या कर रहे हैं यार। अचानक तो नहीं, लेकिन हाँ पैकिंग जरूर कर रहा हूँ। किस चीज का पैकिंग, ये आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो दिखाता हूँ चलो। इस चीज का पैकिंग, द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो। यार टाइटल और थंबनेल में तो आप लोग ने पर ही लिया होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। इफ यू आर कंफ्यूज देन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। सो बात है कुछ 2019 का, व्हेन आई हर्ड द नेम ज़ुको वैली फॉर द फर्स्ट टाइम। और 2020 में मुझे एक वीडियो नजर आता है यूट्यूब पे बाई ट्रेवलिंग मंडेज, वो वीडियो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे तो दुनिया में अभी कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैल रहा है, लेकिन जब ये सब ठीक हो जाएगा, एक बार जिंदगी में एक बार यू मस्ट विजिट ज़ुको वैली। जब आप ट्रैवल करते हो तो किस्से बनते हैं, कहानियां बनती हैं, और एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी को महसूस करने के लिए लेट मी टेक यू टू नागालैंड। तो गाइस एक कहावत है ना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वैसे ही इस वीडियो को देख के मेरे दिल में ख्याल आया था कि क्या जगह है ये और क्या वीडियो बनाया ट्रेवलिंग मंडेज ने। फिर इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा रिसर्च किया मैंने ज़ुको वैली के ऊपर, और मुझे पता लगा कि ज़ुको वैली हुईमा से बहुत ही सामने गिरता है, मतलब बहुत ही पास है। और आप ही सोचो, जो जगह इतना ज्यादा पास है, जो जगह इतना वर्ल्ड फेमस है, पूरा डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग जन इधर आते हैं, और इंडिया से तो आते ही है, ट्रैक करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और उस जगह के बारे में मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। और ये जगह इतना पास है, मतलब हम लोग आसाम में रहते हैं और वो जगह नागालैंड में गिरता है, मतलब इतना पास, कुछ घंटा ही लगता है जाने में। और इस जगह के बारे में मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैं ठान लिया कि इस जगह में तो मुझे जाना ही है, मतलब जाना ही है। लेकिन 2020 में आप सबको पता रहेगा गाइस कि क्या हुआ था। 2020 में आ गया पैंडेमिक और नहीं जा पाया, ड्यू टू पैंडेमिक सब लोग घर पे ही थे। और 2021 में मतलब आ गया फिर से लॉकडाउन। और 2022 में बहुत मन था जाने का, प्लान भी किया था जाने का, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तो वैसे ही कुछ हुआ था हम लोग के साथ, हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन 2023 में मैं ठान लिया ज़ुको वैली जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। और फिर क्या, कुछ लोगों को फोन किया, अप्रूवल दिया, मैंने बुक कर लिया स्लॉट, और वेरी सून आई एम गोइंग टू ज़ुको वैली, फॉर विच आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मतलब एक ड्रीम सा प्लेस है भाई मेरे लिए फिलहाल तो नॉर्थ ईस्ट में, ये जगह नॉर्थ ईस्ट में मेरा लिस्ट में, बकेट लिस्ट में नंबर वन में गिरेगा अगर बोला जाए तो ट्रेवल करने में, बिकॉज आई लव एडवेंचर, आई लव माउंटेन्स एंड आई लव ट्रैकिंग। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मजा आ जाएगा भाई, बहुत दिन हो गया कि मैं किधर घूमने भी नहीं गया, एंड इट विल बी ए होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। देखता हूँ अभी कैसा जाता है, अभी तो पैकिंग वैकिंग करूंगा। मैं जब भी कभी कोई ट्रिप पे निकलता हूँ, मेरा जो पैकिंग रहता है वो बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक रहता है, मतलब एकदम मिनिमल पैकिंग में करता हूँ, क्योंकि जब आप किधर जाते हो, मतलब एक छोटा सा टिप रहेगा मेरे तरफ से, जब आप किधर जाते हो दो तीन दिन के लिए हो जाए, या फिर चार पांच दिन, या फिर एक वीक, या फिर महीना होने से अलग बात, लेकिन अगर आप तीन चार दिनों के लिए कहीं जा रहे हो, तो मेरा जो एडवाइस रहेगा आप सभी के लिए वही रहेगा कि जितना हो सके कम चीज लेके जाओ, और एक चीज का हमेशा बैकअप रखो, मतलब एक अगर स्वेटर ले रहे हो तो उस स्वेटर का भी बैकअप रखो। इससे क्या होगा कि आपको उस चीज को धोना नहीं पड़ेगा, अगर आपका चीज गंदा भी हो गया तो आप इसका अल्टरनेटिव कोई दूसरा पहन सकते हो। तो ऐसा ही मैंने मिनिमलिस्टिक, मतलब एकदम प्लानिंग करके सब कुछ पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ फिलहाल, एंड माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो एंड आई एम कमिंग माउंटेन वेरी सून। और ये चीज तो आप लोग देखो यार, ये चीज मैं ले जा रहा हूँ, ये नागा लोग का मीन्स ट्रेडिशनल मफलर है, और ये अपना आसाम का मतलब ट्रेडिशनल गामोछा, जो कि आप लोग को पता ही रहेगा, इससे ऑनर टू हैव इट। और बाकी यहाँ पर जितना भी सब गैजेट वगैरह रहेगा सब मैं इस बैग में डालने वाला हूँ, जैसे कि GoPro हो जाए, पावर बैंक हो जाए, फिर जितना भी अदर एक्सेसरीज रहे हो जाए, चार्जर वगैरह वगैरह सब इधर डालने वाला हूँ। और जितना भी ये सब देख रहे हो गाइस आप लोग, जितना भी मतलब पैंट्स वगैरह स्वेटर, आप लोग सोच रहे हो यार इतना गर्म में ये स्वेटर क्यों ले जा रहा है, भाई जिधर जा रहा हूँ वो ठंडा एक का जगह है, ठीक है, उधर रात में भाई बहुत ज्यादा ठंडा वंडा लगता है। बहुत सालों से यार प्लानिंग वनिंग कर रहा हूँ उस जगह जाने का, रिसर्च कर रहा हूँ फिर जाके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि कल प्लान किया आज जा रहा हूँ, भाई इसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग वगैरह था, ठीक है। और इधर में मैं एक ले रहा हूँ जो कि ले जाना चाहिए सभी को, एक भाई पीलो, स्लीपिंग पीलो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ये फुलाना पड़ता है बस, बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है। और उधर में भाई बारिश वगैरह बहुत कुछ गिरता है, तो इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ रेनकोट, और बाकी यहाँ पर नॉर्मल सब है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अभी और एक चीज जो कि मैं लेके जा रहा हूँ वो है ये,
सो ये है पैरा विंग का स्पेशल एडिशन बूट्स जो कि उधर में चाहिए। इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था, ठीक है। सो इसको ले जा रहा हूँ भाई, उधर में बहुत सारा ट्रैकिंग होने वाला है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मेरा लाइफ का बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रैकिंग रहेगा अभी तक का। सो इसके लिए मैं ये वाला बूट ऑर्डर किया था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका ग्रीप वगैरह सब कुछ अच्छा है, और उधर में अच्छा ग्रीप वाला शू चाहिए तो ये वाला लिया। मैं उतना ज्यादा पैसा खर्चा तो नहीं करता भाई ये सब चीजों के लिए, लेकिन उधर चाहिए भाई, ठीक है। इसके लिए मैं ये वाला बूट ऑर्डर दिया। सो गाइस और एक चीज लेके जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। Yes guys, this our national flag, our pride, everything. So इस चीज को मैं लेके जा रहा हूँ बिकॉज ट्रैकिंग करते समय when we'll achieve our goal. So try करेंगे इसको मतलब लहराने का। सो देखते क्या सीन रहता है, तब तक के लिए यार इसको अच्छे से रखना पड़ेगा किसी जगह सेफ जगह फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। सो इसको अभी इधर रखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस मतलब सीरीज को एक एपिसोड वाइज बनाऊं, मतलब ये रहेगा 0 एपिसोड, फिर रहेगा कल एपिसोड व्हाइल गोइंग टू जुको, फिर जुको पहुंच के और एक एपिसोड, फिर ऐसे कंटिन्यू सीरीज में मैंने मतलब मैं सोच के रखा कि ऐसे कंटिन्यू सीरीज में मैं वीडियो सब अपलोड करूंगा। आप लोग का क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कितना खतरनाक वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, कितना खतरनाक गैजेट यूज करने वाला हूं, सब कुछ दिखाने वाला हूं गाइस कल के वीडियो में। तो फॉर व्हिच यू हैव टू सब्सक्राइब। और ये जगह के बारे में जितना ही बोलूं उतना कम, ये जगह मेरा दिल के बहुत ज्यादा करीब है भाई, बहुत दिनों से प्लान कर रहा था जाने का, अभी भाई फाइनली फिंगर क्रॉस, अभी देखते कुछ अगर सीन नहीं हुआ तो जाएंगे फॉर श्योर। और अभी यार पैकिंग वैकिंग कर लेते ना यार, आप वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, तब तक मैं पैकिंग करता हूँ भाई।